नीट और आईआईटी जेई प्रवेश परीक्षाओं में देश भर में पहचान बना चुके संस्थान सीएलसी में जेई मेंस के परिणाम के बाद जश्न का माहौल रहा। सीएलसी निदेशक इंजीनियर श्रवण चौधरी ने बताया कि सीएलसी संस्थान इस बार प्रगति के हर क्षेत्र में 4 गुना हो रहा है। अभी हाल ही में जारी जेई मेंस के परीक्षा परिणाम के बारे में चर्चा करते हुए चौधरी ने बताया कि सीएलसी के 8 छात्रों ने 99.5% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हुए सफलता हासिल की है। चौधरी ने बताया कि घनेन्द्र ने 99.87, मुकुल यादव ने 99.84, प्रशांत मीना ने 99.65, मनीष चौधरी ने 99.58, अशोक स्वामी ने 99.56, धीरज कुमार ने 99.54, युवराज सिंह ने 99.53 और दिया सीमर ने 99.52% प्राप्त करते हुए अपने अभिभावकों और सीएलसी का नाम रोशन किया है। इनमें से घनेन्द्र, प्रशांत मीना, धीरज कुमार और दिया सीमर ने 12वीं कक्षा के साथ ही यह उपलब्धि हासिल की है। इसी प्रकार सीएलसी के 20 छात्रों ने 99% से ज्यादा तथा 64 छात्रों ने 98% से ऊपर अंक हासिल किए हैं और सीएलसी क्लासरूम के हर दूसरे छात्र ने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, जो सीएलसी जेई विंग की श्रेष्ठता साबित करता है। चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सीएलसी के 8 छात्र 99.5% से ऊपर, 20 छात्र 99% से ऊपर तथा 64 छात्र 98% से ऊपर हैं, जो पिछले सत्र की तुलना में 4 गुना है और आंकड़े बयां कर रहे हैं कि सीएलसी का परिणाम 4 गुना हुआ है। चौधरी ने आंकड़ों के आधार पर बताया कि 2023 के मुकाबले 2024 में जेई में सीएलसी का परीक्षा परिणाम 4 गुना हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान चौधरी ने बताया कि सत्र 2024-25 के लिए नीट, आईआईटी, जेई, ओलंपियाड्स, एनडीए तथा सीबीएसई और आरबीएसई स्कूल के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं तथा प्रत्येक गुरुवार को नए बैच शुरू किए जा रहे हैं। नमस्कार, सभी साथी जानते हैं कि जेई मेन 2024 का रिजल्ट आया है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, सीकर की सीएलसी एकमात्र संस्था है जिसने अपने रिजल्ट को 2023 से 2024 में 4 गुना किया है। लास्ट ईयर 98% से ऊपर सीएलसी का 17 बच्चा था, आज दोस्तों बढ़ के 64 बच्चा हुआ है। इसके पीछे साहिल और समर का एक अच्छा नेतृत्व है और मेरे साथ खड़ी मेरी कोर आईटी की जो टीचिंग टीम है, ये सभी साथी औसतन 10 साल से अधिक साल से हमारे काम कर रहे हैं। ये पहले हम लोग मेडिकल पे, जब मैं खुद पूरी कोचिंग डील करता था तो मेरा फोकस ज़्यादा होता था मेडिकल पे। जैसे मेरे दोनों बेटे कोरोना के बाद हम साथ बैठ के, हमने जो प्लानिंग की, आप सब साथ बैठे, तो आईटी को सेपरेट बिल्डिंग के साथ, सेपरेट नोट्स के साथ और एक टीम को सेपरेट बना के उस पर काम किया। दोस्तों आज हम 4 गुना पे हैं और निश्चित रूप से रिजल्ट मेडिकल का आएगा वो भी हमें मानते हैं कि इस बार हम 4 गुना करेंगे। और सीएलसी आप जानते हो, खुद का अपना स्कूल है सीआईएस का, जो नर्सरी से लेकर 12th तक है, सीबीएसई का बीकानेर बाईपास पे स्कूल हमारा केवीएम 6 से लेकर 12 तक स्कूल है, सीएचएस, सीएलसी हाई स्कूल, उसके बाद नीट, जेई, एनडीए सब की तैयारी आपकी संस्था कराती है। कहने का अभाव है, नर्सरी से लेकर नीट, जेई, एनडीए तक दोनों मीडियम में और स्कूल में आर्ट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, साइंस भी है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग व्यवस्थाएँ दे रहे हैं। अलवर, बीकानेर, जयपुर हमारी 3 ब्रांच चलती हैं। ये रिजल्ट जो हमारा 1764 हुआ है, ये सारा बच्चा हमारे क्लासरूम का है और सीकर क्लासरूम का है। अगले हर थर्सडे को 2 मई को, 7-9 मई को, अप टू जुलाई तक आपकी संस्था नए बैच बनाएगी, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम कहना चाहूँगा एक अच्छी संस्था की तलाश आपको है, आप सीकर बता रहे हैं।